नमस्कार दोस्तों, आज हम विजिट कराएंगे अपने हॉस्पिटल गार्डन का, जिसको आप किचन गार्डन बोल सकते हो, होम गार्डन बोल सकते हो, जो भी आपको बोलना है। तो हमने अपने इस होम गार्डन में क्या लगा रखा है देख सकते हैं आप। हमने यहाँ पे टमाटर है, भिंडी है, केला है, आंवला है, नेपियर घास है, और ये पपीता है, मिर्ची है, मतलब सभी तरह के हमने फसल इसमें लगा रखे हैं अपने घर के खाने के लिए। अब इसका क्या फ़ायदा होता है, दो तीन फायदे हैं अगर आपको बता दूं मैं तो। अगर आपको एंजाइटी स्ट्रेस की शिकायत ज़्यादा है, नींद नहीं आता है, तनाव में रहते हो, सबसे अच्छा मैं बोलता हूँ आज के डेट में आपको स्वस्थ रहने के लिए एक किचन गार्डन से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि आप अगर एक पौधा लगाते हो, उसको शून्य से जब आप बड़ा करते हो, फल आने तक आप जब देखते हो, तो आपका समय ऐसे ही निकल जाता है, तो आपको कोई दूसरा चीज़ सोचने के लिए समय नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात, आपको शुद्ध खाने को सब्जी मिलता है, फल मिलता है, और आप तनाव मुक्त जीवन जीते हैं। मैं यहाँ हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, उनको भी यही बोलता हूँ कि अगर आपके घर में जगह नहीं है तो आप छत के ऊपर गार्डनिंग करें, लेकिन ज़रूर करें। इससे शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, मन में तनाव खत्म होगा और आपको पॉजिटिवनेस रहेगा। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ जो गार्डन, ये हमारा छोटा सा हॉस्पिटल का गार्डन है, जहाँ पर हमने अदरक आप देख सकते हो, इसमें केला, गोभी, और आगे हमने मल्चिंग ड्रिप से पपीता भी लगा रखा है। तो इसका क्या एडवांटेज है, देखो, एक तो शुद्ध खाने को मिलता है, दूसरा आपका एक घंटा समय निकल जाता है, तो आपको शुद्ध खाने को मिलेगा, साथ ही साथ जब इसमें आप मेहनत करोगे तो पसीना भी निकलेगा, तो आपका लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगा, मतलब फेफड़े का क्षमता बढ़ेगा, ब्लड प्यूरीफाई होगा, और आपका मन पॉजिटिव रहेगा। जो नींद यानी समस्या आजकल लोगों को रहा है, चिड़चिड़ाहट, एंजाइटी, ये भी आपका समाप्त होगा, साथ ही साथ आपको सीखने को मिलेगा। तो हमेशा मैं बोलता हूँ लोगों को, आप ज़रूर अपने घर के गार्डन, घर में या फिर छत पर गार्डन ज़रूर बनाएं, किचन गार्डन, सब्जी फल जो आपको लगाना है। तो हमने अभी मल्चिंग से पपीता यहाँ पे लगा रहे हैं, और आप जो साड़ी और ग्रीन मेटी देख रहे हैं, इसके अंदर हमने छोटा सा पाली हाउस बनाया है अपने गार्डन में, जिसमें हमने क्या लगाया आगे दिखाते हैं, मिर्ची। तो मिर्ची का अपना मतलब कैसे लगा उसको मैं दिखाऊंगा आगे। तो आप जो देख रहे हो पपीता मैक्सिकन वैरायटी का है, इसको हमने जून के महीने में लगाया था, और अभी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अवस्था में आ गया है। थोड़ा सा कमज़ोर है, कारण इस बार बारिश की थोड़ा दिक्कत आया और ड्रिप उतना सक्सेस नहीं हुआ। आप ये देख सकते हैं, ये छोटा सा हमारा क्या है, ये पॉली हाउस, जिसमें हमने क्या लगा रखा है, मिर्ची की फसल। तो इस तरीके से हम खेती करते हैं। जानकारी कैसा लगा बताइएगा।